हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट्स के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, तो मैं इसका पूरा फुल एफडी रेट्स आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा एक बार वार्निंग सब। ठीक है, तो पहला वार्निंग है डोंट इन्वेस्ट दिस बैंक आज दिस बैंक आर नॉट स्टेबल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस बैंक एफडीज आर नॉट स्टेबल एंड सम हैव बैड रेटिंग्स आज गिवन बाय क्रिसिल। ठीक है, और क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये जो क्रिसिल है ये बैंक का एफडीज का रेटिंग्स दिया है इन बैंक सब का। ये नेगेटिव रेटिंग्स बहुत सारा है और बहुत सारा मीडियम रेटिंग्स है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और तीसरा पॉइंट है दिस वीडियो इज फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज ओनली। ये आपके ऊपर है, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और चौथा पॉइंट है आई पर्सनली डोंट रिकमेंड एनी स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ किसी भी सब्सक्राइबर को कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और एज पर RBI यू कैन गेट प्रोटेक्शन अप टू 5 लाख रुपीज, सो इट इज अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट और नॉट। ठीक है, तो 5 लाख तक प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये था 5 वार्निंग्स, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। तो चलिए एफडी रेट्स में अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पहला है नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक नेम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट है उज्जीवन बैंक। ठीक है, अगर 1 ईयर का एफडी करते हो तो 6.50, 2 ईयर का 6.75, 3 ईयर का 6.75, 4 ईयर का 6.75 और फिफ्थ ईयर का 6.75 आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिल जाता है उज्जीवन बैंक में। जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो 6.75, 2 ईयर के लिए 7%, 3 ईयर के लिए 7%, 4 ईयर के लिए 7.25, 5th ईयर के लिए 7%। और अगर इक्विटस बैंक में अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 6.5% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए 6.65, थर्ड ईयर के लिए 6.65, फोर्थ ईयर के लिए 6.40, 5th ईयर के लिए 6.40। अगर आप लोग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो 6.35 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए 6.50, 3 ईयर के लिए 6.25, 4 ईयर के लिए 6.25, 5th ईयर के लिए 6.50। और अगर आप लोग कैपिटल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो फर्स्ट ईयर का 6%, सेकंड ईयर का 6%, थर्ड ईयर का 6%, 4 ईयर का 6%, 5th ईयर का 6%। और अगर ESF बैंक में अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का तो 6.5%, 2 ईयर का 6.25, 3 ईयर का 6%, 4 ईयर का 6%, 5 ईयर का 5.50। ठीक है, और अगर आप लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर 6.75, 2 ईयर के लिए 6.75, 3 ईयर के लिए 6.75, 4 ईयर के लिए 6.75, 5th ईयर के लिए 6.75। और अगर आप लोग सूर्योदय बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर तो 6.75, 2 ईयर के लिए 7%, 3 ईयर के लिए 7.10, 4 ईयर के लिए 7.10, 5th ईयर के लिए 7.25। फिनकेयर में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो 1 ईयर का 6%, 2 ईयर का 6.50, 3 ईयर के लिए 6.75, 4 ईयर के लिए 6.50, 5 ईयर के लिए 6%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट जो है नॉर्मल सिटीजन के लिए 7.25 सूर्योदय बैंक आप लोग को देता है अगर आप लोग 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट करते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग इन्वेस्ट करो, लेकिन आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं बता दिया हूँ नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का। उज्जीवन बैंक में अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का तो 7%, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7.25, 4 ईयर का 7.25, 5th ईयर का 7.25। और अगर आप लोग जनलक्ष्मी बैंक में एफडी करते हो 1 ईयर तो 7.25, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.50, 4 ईयर का 7.75 और 5th ईयर का 7.50। और अगर आप लोग इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का 7%, 2 ईयर का 7.15, 3 ईयर का 6.90, 4 ईयर का 6.90, 5th ईयर का 6.90। और अगर आप लोग AU बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का तो 6.50, 2 ईयर का 6.66,
3 ईयर का 6.40, 4 ईयर का 6.40, 5 ईयर का 6.66। और अगर आप लोग कैपिटल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का तो 6.50, 2 ईयर का 6.50, 3 ईयर का 6.50, 4 ईयर का 6.50 और 5th ईयर का 6.50। और अगर आप लोग ESAF बैंक में इन्वेस्ट करते हो 1 ईयर का 7%, 2 ईयर का 6.50, 3 ईयर का 6.50, 4 ईयर का 6.50, 5th ईयर का 6%। और अगर आप लोग उत्कर्ष बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 ईयर का तो 7.25, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7.25, 4th ईयर का 7.25, 5th ईयर का 7.25। और अगर आप लोग सूर्योदय बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 7.25 फॉर फर्स्ट ईयर, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.60, 4th ईयर का 7.60, 5th ईयर का 7.75। और अगर आप लोग फिनकेयर बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर का 6.50, 2 ईयर का 7%, 3 ईयर का 7.25, सॉरी 4 ईयर का 7%, 5 ईयर का 6.50। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सूर्योदय बैंक जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर, इन टर्म्स ऑफ 4 ईयर, इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट ना करें और आपका जो पैसा है वो रिस्क में ना डालें। अगर आप लोग डालना चाहते हो तो 40-50,000 आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका इंटरेस्ट जो है आप लोग गेन कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप लोग डेफिनेटली कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट ना करें। तो ये था सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।